हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। इरुडाइट, इरुडाइट। हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज और लर्निंग, यानी कि बहुत ज्ञान होना। टैसिटर्न, टैसिटर्न। हैबिचुअली साइलेंट और टॉक लेस, यानी कि जो बहुत कम बात करता हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अल्पभाषी। एग्रीएबल साइट, एग्रीएबल साइट। प्लीजेंट साइट, यानी जिसे देखकर आपको अच्छा लगे। पोक मार्क्स, पोक मार्क्स। डीप स्कार्स ऑन द स्किन, देखो हमारी स्किन पे क्या होता है कि गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं, जो ट्रीटमेंट के बाद भी सही नहीं होते। ये हो सकता है स्किन इन्फेक्शन से हो जाए, चिकन पॉक्स से हो जाए, और कई बार पिंपल से भी हो जाते हैं। डाउन कास्ट, डाउन कास्ट। लुकिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ देखना। कॉन्वलेसिंग, कॉन्वलेसिंग। रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, यानी जब कोई किसी बीमारी से एक लंबे टाइम बाद सही हो रहा हो। आलूफ, आलूफ। नो फ्रेंडली और विलिंग टू टेक पार्ट इन थिंग्स, यानी किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करने का मन होना। मैनस, मैनस। अ डेंजर, यानी कि कोई इंसान या चीज जो आपके लिए हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो। पिक, पिक। अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, यानी कि अचानक से गुस्सा करना, भड़ास निकालना। लिस्ट लेस, लिस्ट लेस। मीन्स लैकिंग एनर्जी एंड इंथ्यूजियाज्म। अगर हम इसे हिंदी में समझे, यानी कि जिसमें कम एनर्जी हो, यानी कि जोश ना हो, उत्साह ना हो किसी काम को करने के लिए। लाइफ, लाइफ। फ्लेक्सिबल, यानी जो लचीला हो, जिसे किसी भी तरह तोड़ा मरोड़ा जा सके। जैसे कि बताइए, जैसे कि रबड़ की कोई चीज़। स्लोपी, स्लोपी। मीन्स केयरलेसली ड्रेस्ड, यानी कि बहुत भद्दे तरीके से कपड़े पहने हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।